हिंदू धर्म में तीन महत्वपूर्ण देव में एक देव महादेव यानी शंकर काफी पूज्य है। संपूर्ण भारत में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग विभिन्न स्थलों पर विराजमान है। इनमें से कामना ज्योतिर्लिंग झारखंड स्थित हमारे देवघर में भी रानेश्वर महादेव के रूप में स्थापित है। सावन के महीने में यहाँ तीर्थयात्रियों का विशेष जमावड़ा लगा रहता है। मैं मुकेश, जो कि देवघर के रहने वाला हूँ, इस तीर्थ स्थल से जुड़े कुछ तत्व आपको बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार शिव के दादसा ज्योतिर्लिंग के हमारा देवघर ग्लोबल प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है, ठीक उसी प्रकार अपने स्वाद सुगंध और गुणवत्ता के कारण देवनागरी का पेड़ा भी जगत विख्यात हो रहा है। देवघर में मिलने वाली मिठाई में अपनी माधुरी के कारण पेड़ा का बड़ा ही महत्व है। यहाँ का पेड़ा इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ बहुत प्राचीन मंदिर है, जो बाबा रामेश्वर बैजनाथ जी का मंदिर है। यहाँ हम लोग पेड़ा बहुत ही शुद्ध तरीके से बनाते हैं, जो प्रसाद होता है इसलिए यहाँ पेड़ा प्रसिद्ध। प्लस यहाँ भी भारत के बस के कोने कोने से लोग आते हैं, प्रसाद स्वरूप में ले जाते हैं। पेड़े व्यवसाय इस शहर में कुटीर उद्योग के रूप में फल फूल रहा है। तकरीबन 50 से 60 गांव और हजारों परिवार पेड़ व्यवसाय के कारण अपने तथा अपने परिवार के जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। जंगली इलाका है, दूध काफी मात्रा में उपलब्ध है। दूध से वाला सब खोवा तैयार करके लाता है, उस खोवे से हम लोग भूनते हैं, उसमें छोटी चीनी छोटी इलायची मिला के उसको भूनते हैं, उसको पेड़ा तैयार किया जाता है। आप पेड़ा बनाने का काम कितने दिनों से कर रहे हैं? ऐसे तो मेरा दुकान कम से कम 150 साल पुराना है, लेकिन हम 6 साल से पेड़ा दुकान बैठे हैं। पेड़ व्यवसाय से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो मतलब वाला सब है, दूध से खोवा तैयार करता है, उस सबका परिवार का भरण पोषण होता है। जो खोवा लेबर सब लोग काम करता है, वो सबका परिवार चलता है, प्लस हम लोग का भी कुछ गुजारा हो जाता है। आप चाहे साल के किसी भी मौसम या महीने में देवघर आए, यहाँ के शुद्ध खोए से बने स्वादिष्ट पेड़े अपने स्वाद और सुगंध से आपका मन मोह लेंगे। हम देवघरवासी के लिए यह पेड़ा भगवान का प्रसाद भी और सबसे उम्मीदा मिठाई भी। वैसे तो इस पेड़े की अपनी मिठास है ही, लेकिन हजारों बेरोजगार को रोजगार मिल जाने से इस पेड़े की मिठास और भी बढ़ जाती है। तो आप भी एक बार देवघर आइए ना, इस पेड़े की स्वाद खुद ब खुद आपके सामने है। मैं मुकेश, झारखंड के देवघर जिला का इंडिया।